सब्सक्राइब करें दीपक मॉडिफिकेशन चैनल को, बेल का आइकन को दबाना ना भूले, जिससे आपको वीडियो के लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दीपक मॉडिफिकेशन। तो आज की थी वीडियो होने वाली है, ये एक मॉडिफिकेशन वीडियो होने वाली है। आपने इसकी पहली वाली सीरीज तो देखी होगी, ये आज की जो वीडियो होने वाली है पेंटिंग होने वाली है, आपने टाइटल एंड थंबनेल से जान ही लिया होगा। एंड आज की हमारी जो रस्टिंग की वीडियो थी उसकी ये सेकंड पार्ट की वीडियो, क्योंकि मैंने इसे दो पार्ट में बनाई थी, क्योंकि ये वीडियो की लेंथ काफ़ी लंबी हो जा रही थी इसलिए मैंने इसे दो पार्ट में बनाई थी। तो आज की वाली जो वीडियो है वो सेकंड पार्ट है, एंड आपको फर्स्ट वाली पार्ट का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड आपको क्या बोलते हैं वाली वीडियो भी अगर चाहिए तो आप उसे भी जाकर, वो भी यूट्यूब पे लाइव है, आप भी उसे भी देख सकते हैं, एंड ये वाली भी। तो चलिए फ्रेंड, इस वीडियो को शुरू करते हैं। एंड हाँ फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, एंड बैल का आइकन को दबा ले, एंड दीपक मॉडिफिकेशन को फेसबुक में और इंस्टाग्राम में फॉलो भी कर ले। यहाँ पर स्क्रीन में आईडी आ रही होगी, आप उसमें जाके दीपक मॉडिफिकेशन इंस्टाग्राम में जाके दीपक मॉडिफिकेशन को फॉलो कर सकते हैं। वहाँ मेरी प्रॉपर अपडेट आते रहती है कि मेरी वीडियोस अगर मतलब वैसे तो एवरी संडे आती है, अगर हो अगर लेट भी हो जाती है तो फिर मैं उसमें अपडेट डाल देता हूँ किस कारण नहीं है। जैसे मेरी पिछली वाली जो रस्टिंग की वीडियो है वो आई थी ट्यूसडे को, क्योंकि मेरे मुझे कॉलेज के वर्क की वजह से मुझे टाइम नहीं मिला था। और अभी भी ये वाली वीडियो आ रही है संडे को, एंड इसके अगले संडे को कोई वीडियो नहीं है, उसके बाद वाले संडे को वीडियो आई, क्योंकि मैं ये अभी जो ये वाली वीक है इसमें मेरी सिटी चालू होने वाली है, तो इसलिए मुझे थोड़ी पढ़ाई की तरफ ज़्यादा ध्यान देना होगा। तो चलिए फ्रेंड, इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो हेलो फ्रेंड्स, आपने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि मैंने इस सब की पूरी रस्टिंग निकाल दी थी, और आप ये देख सकते हैं ये भी शाइन कर रहा है, पर ये कुछ पार्ट्स थे जिसे मैंने वेल्डिंग कराया था। और ये अब फ्रेंड्स, मैंने इस सब की रस्ट तो हटा दी थी, पर इसमें मैंने मुझे पेंट करना बाकी था, तो आज की इस वीडियो में मैं पेंट करने वाला हूँ। तो मैं इन सब ये पार्ट हो गए, और ये कुछ कॉर्नर्स हैं जो इस सब में पेंट करने वाला हूँ, न्यू की तरह शाइन कर रही है। फ्रेंड्स, ये तो हो गई इसकी फ्रंट पोजीशन की, पर इसकी जो बैक पोजीशन की थी मैं उसकी रस्टिंग हटाना भूल गया था, और उसमें मुझे क्रोम पाउडर भी करना था, तो वो आज की इस वीडियो में होने वाली है, और आज की इस वीडियो में पेंट भी होने वाली है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये मस्त शाइन कर रही है। तो चलिए अभी रखते हैं इसे साइड पर, एंड आपको दिखाता हूँ सेकेंड वाली। सो फ्रेंड्स, ये है हमारी सेकेंड वाली, मतलब कि हमारी बैक की स्कूटी पर प्लस की। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पर ये इसकी पूरी रस्टिंग है। मैं तो पहले इसकी रस्टिंग हटाऊंगा, अगर रस्टिंग नहीं हटती है तो मैं इसके ऊपर पेंट करूंगा। तो चलिए फ्रेंड्स, प्रोसेस शुरू करते हैं, और मैं आपको उससे पहले दिखा देता हूँ कहाँ कहाँ पर इसकी रस्टिंग हो रखी है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ पर इसकी रस्टिंग हुई है, और ये कुछ और पार्ट्स है, तो हमें इन सबको फिल करना है पेंट की हेल्प से। और आप ये देख सकते हैं ये इसके रस्टिंग वाले पार्ट्स। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। आज की वीडियो में अब हमें पेंट करने के लिए चाहिए होगी एक 15 mm की ब्रश, और मैंने ये एक्स्ट्रा 38 mm की भी रख ली है, और ये है हमारे सिल्वर कलर की पेंट। मैं स्प्रे पेंट इसमें इसलिए मार रहा हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि मुझे स्प्रे पेंट सिल्वर क्रोम टाइप की अवेलेबल नहीं थी, इसलिए मैं ये वाली अगर मुझे अवेलेबल हो जाती है तो मैं वो कर लूँगा। और इसके कैप को ओपन करने के लिए एक स्क्रू, और ये है हमारी थिनर जो मैं हार्डवेयर शॉप से लेकर आया था, तो मैंने इसे परचेस किया था अराउंड 15 rupees में। और ये पेंट है मेरी 32-35 कुछ की, और ये मैंने 10-15 rupees की परचेस किया था। बस आपको इतना ही करना है। तो फ्रेंड, सबसे पहले हमें इस वाले की रस्टिंग निकालनी है, तो चलिए मैं पहले इसकी रस्टिंग निकाल लेता हूँ। फ्रेंड, सबसे पहले इसकी रस्टिंग हटा लेते हैं अगले पार्ट्स को। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पर ये शाइनिंग आने लगा है। शाइन करने लगा है अच्छे से।
टमाटर मिक्स करनी होगी। ये वाली ये कुछ जगह है जहाँ पर पेंट करना है, तो इससे करते हैं ओपन कुछ इस तरह से। और ये इसलिए ओपन हो जाएगा, ये जो पेंट पे ये जो ऑयल है इसके साथ ये जो सिल्वर कलर की पाउडर है ये जो पाउच में, इसे हमें इस पर मिक्स करना है। तो चलिए मैं इसे मिक्स कर लेता हूँ। तो आप इसे अच्छी तरह से मिक्स कर ले, कुछ इस तरह से इसे कर ले जहाँ जहाँ पर आपको करना है। मैं इसे कुछ इस तरह से करने वाला हूँ, बस इसकी कॉर्नर्स पे करने वाला हूँ इसे। रख देते हैं इसे ड्राई होने के लिए और आप देख सकते हैं दोनों का फर्क अभी तो काफ़ी अच्छी दिख रही है, शाइन भी कर रही है। तो चलिए इसे रख देते हैं ड्राई होने के लिए, सेकंड साइड पे भी अप्लाई करते हैं। तो फ्रेंड्स आप ये देख सकते हैं मैंने इसे पूरी हर तरह से कंप्लीट कर लिया है, आप ये देख सकते हैं। A few moments later 15 मिनट हो चुके हैं एंड अब देख लेते हैं इसकी शाइनिंग आई कि नहीं। तो आप इसे क्लोज से हल्की हल्की बस साफ कर लीजिए, देख सकते हैं मैंने पूरी इसे क्लीन कर दिया है। एंड आपने नोटिस किया होगा कि मैंने पेपर भी चेंज कर दी है, अब हमें करना है इसके ऊपर पेंट। तो अब हमें लेना होगा अपना पेंट। इस पार्ट से भी करने वाला हूँ इससे पूरी इस तरह से, एंड सेकंड साइड पे भी इसे अप्लाई कर लेते हैं कुछ इस तरह से। आप ये देख सकते हैं ये पेंट हो चुकी है। अब आते हैं इसकी बैक साइड पे, तो आप ये देख सकते हैं इसकी बैक साइड पे तो पूरी रस्टिंग हो रखी है। तो इसकी बैक को भी हम पूरी करने वाले हैं कुछ इस तरह से। Few moments later. फ्रेंड्स आप ये देख सकते हैं ये फाइनली ये पेंट सूख चुकी है और ये काफ़ी अच्छी दिख रही है, ब्राइट भी कर रही है। और ये वाली जो हमने पेंट की थी और इसी तरह से कुछ ये इस साइड पे भी। तो चलिए अब इसे इंस्टॉल करते हैं गाड़ी पे।
तो आपको ये वाली वीडियो मिलेगी टाइम लैप्स पे। तो चलिए इसे इंस्टॉल करते हैं। तो हाँ फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं कुछ नए नट्स इंस्टॉल करने जा रहा हूँ, जैसे ये है और ये दो नट्स एंड ये दो नट्स, और बाकी नट्स मुझे नई वाली बनी थी तो मैं ये वाली नट्स नहीं लिया हूँ, और ये वाली तो ये मुझे पड़ी, ये 10-10 रुपीज़ की, ये दोनों 10-10 और ये 5-5 रुपीज़ की, और ये 5-5 और ये 5। तो मैंने और बाकी ये वाली नट्स मैं पुरानी वाली इंस्टॉल कर रहा हूँ। तो चलिए करते हैं इसे इंस्टॉल। तो आई होप फ्रेंड्स आपने वीडियो देख लिया होगा, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करके बताएं मुझे और किस टॉपिक की वीडियो बनानी चाहिए। एंड आपको ऐसी वीडियो देखने के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा एंड बेल का आइकन को दबाना पड़ेगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे एंड आपको नए नए मॉडिफिकेशन वीडियो मिलते रहे। एंड मेरी जो भी मॉडिफिकेशन वीडियो आपसे आएगी वो संडे को ही आएगी, मैं प्रॉपरली कोशिश करूँगा। एंड अभी भी आज का जो डे है, आज है सैटरडे 7 दिसंबर एंड ये वाली वीडियो आएगी 8 दिसंबर को संडे को। तो अभी भी मैं कॉलेज से रिटर्न आया हूँ एंड मैं फ्रेश होकर फिर ये वाली वीडियो बना रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड आई होप आपने कर ही दिया होगा एंड चैनल को भी अभी तक सब्सक्राइब कर लिया। अगर नहीं किया तो इस वीडियो को देखने के बाद सब्सक्राइब के बटन को रेड से ग्रीन कर देना। तो हाँ फ्रेंड्स, अगर आपने इसके पहले वाली वीडियो जो मैंने डाली थी रस्टिंग की, अगर वो वाली वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक होगा, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कर लें एंड मेरी हर वीडियोस की डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कर लें, क्योंकि इसमें आपके लिए कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन होती है या फिर
लिंक विंक या फिर एक बार जरूर चेकआउट कर ले डिस्क्रिप्शन में, एंड मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर ले दीपक मॉडिफिकेशन को, वहाँ मेरा पेज है एंड वहाँ मैं अपनी प्रॉपर अपडेट डालता रहता हूँ। एंड फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर, जिससे और भी लोगों को मेरी वीडियोज़ के थ्रू अगर हेल्प हो सकती तो हेल्प हो जाए, ये मेरे लिए काफ़ी अच्छा होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की हमारी वीडियो होती है यहीं पर एंड। राइड सेफ, ऑलवेज वियर हेलमेट, ऑलवेज वियर सीट बेल्ट। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। यहीं पर एंड। सो राइड सेफ, ऑलवेज वियर हेलमेट, ऑलवेज वियर सीट बेल्ट। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया।